नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, डीएनए भी बड़ा कमाल का टेस्ट है। हंसता खेलता परिवार गर्क हो सकता है इसके टेस्ट के रिजल्ट से। रोती बिलखती औरत को सम्मान दिलवा सकता है ये टेस्ट। जैसे नारायण दत्त तिवारी की गर्लफ्रेंड उज्ज्वला को सम्मान मिला, बावनखेड़ी की शबनम का जो सलीम है वो भी ये चाह रहा है कि उसका डीएनए टेस्ट हो जाए, उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए ताकि वो ये साबित कर सके कि ताज उसका बेटा नहीं है, ताज का बाप सलीम नहीं है। लेकिन ये बात की बात है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़े फैसले से अवगत कराना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि बिना शादी के पैदा हुए बच्चे को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रह रहे हैं और शादी जैसा ही उसको माना जाएगा इस रिश्ते को, और इस रिश्ते को जैसा कि लिव इन कहा जाता है, इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चे को पिता की प्रॉपर्टी से हक भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में से इसलिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दोनों की शादी भले ही ना हुई हो लेकिन दोनों लंबे समय से पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। ऐसे में अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो जाए कि बच्चा उन दोनों का है तो बच्चे का पिता की संपत्ति में पूरा हक होगा। केरल के एक व्यक्ति ने अपने पिता की संपत्ति में हुए बंटवारे में हिस्सा ना मिलने की वजह से हाई कोर्ट में ये केस किया था और उसने कहा था कि उसे नाजायज बच्चा बता करके हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, ये जो नाजायज की बात मैं कर रही हूँ, मुझे कभी भी किसी बच्चे के लिए नाजायज कहना बहुत बुरा लगता है, लेकिन एक न्यूज़ जब हम बोलते हैं, लिखते हैं या किसी से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो न जाने क्यों ये नाजायज शब्द सामने आ जाता है। खैर, केरल हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस व्यक्ति की संपत्ति पर वह हक जता रहे हैं उससे उसकी माँ की शादी नहीं हुई थी, ऐसे में उन्हें परिवार की संपत्ति का हकदार नहीं माना जा सकता। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी, आप सब जानते हैं। साथ ही घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2 में भी लिव इन रिलेशनशिप को जोड़ा गया था, यानी कि लिव इन में रह रहे जोड़े भी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। वो लड़की भी करा सकती है, वो लड़का भी करा सकता है। लिव इन रिलेशन के लिए एक कपल को पति पत्नी की तरह ही साथ में रहना होगा और उसी तरीके से कोर्ट ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि वो उनको एक पति पत्नी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अगर वो कुछ शिकायत करते हैं तो ये नहीं कि वो पति पत्नी नहीं है तो उनको दुत्कार के थाने से वापस भेज दिया जाए, उनकी भी शिकायत लिखी जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग जो केस है वो आप कभी भूल नहीं सकते, नारायण दत्त तिवारी का केस। 3 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के नेता, बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, और उनकी गर्लफ्रेंड कहिए, उस समय वो कांग्रेस में काम भी करती थी, उज्ज्वला शर्मा, उन्होंने ये दावा कर दिया था कि उनका और नारायण दत्त तिवारी का रिश्ता रहा था जिससे एक बेटा भी पैदा हुआ। वो बेटा था रोहित शेखर था। मैंने इसलिए कहा क्योंकि रोहित शेखर अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी ने, जैसा कि कहा जा रहा है, उनकी पत्नी ने उनकी जान ले ली। खैर, उन्होंने तिवारी की संपत्ति में रोहित को हक मांगा था। नरेंद्र तिवारी की संपत्ति में से उनकी पत्नी ने हक मांगा था। नरेंद्र तिवारी ने कोर्ट में इस रिश्ते को खारिज कर दिया था, इस रिश्ते से इनकार किया था। देखिए कितने बड़े नेता हैं, और संबंध बनाते हुए उन्हें अंदेशा कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा। लेकिन मैं उस औरत को सैल्यूट करती हूँ जिसने इस उम्र में आकर के, उम्र का वो पड़ाव होता है जब बहुत ज़्यादा समझ आ जाती है और औरतें ऐसे काम से बचती हैं, लेकिन उज्ज्वला ने ऐसा कदम उठाया
और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। इस टेस्ट से ये साबित हो गया कि रोहित शेखर नरेंद्र तिवारी के ही बेटे हैं और कोर्ट के ऑर्डर के बाद नरेंद्र तिवारी ने रोहित और उज्ज्वला को अपना लिया था। आपको याद होगा कि उस समय नरेंद्र तिवारी जी की उम्र 80 से ऊपर थी जब उन्होंने उज्ज्वला के साथ शादी की, उस बेटे को अपनाया और उसके बाद की सारी बातें आप पता ही हैं। रोहित इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये जो कोर्ट का फैसला है वो अपनी जगह उसी तरीके से है। पर आज कोर्ट ने फिर एक और मिसाल कायम की है, एक और फैसला दिया है जिसमें ये कहा है कि लिव इन में जो बच्चा अगर जन्म लेता है तो उस बच्चे को पिता की संपत्ति में से पूरा हक मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के पिता ने माँ से शादी की हो, अगर वो किसी भी तरीके से लिव इन में या बाय चांस बच्चा अगर महिला को होता है और उसका पिता डीएनए टेस्ट में साबित हो जाता है कि उसका पिता है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी में से पूरा हक मिलेगा। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा दोस्तों? मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपनी राय इस मामले में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें अब बहुत आम हो गई हैं और लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि सरकार, प्रशासन, पुलिस हमारे लिए ऐसे मामलों में किस तरीके से मददगार साबित हो सकता है। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे किसी और चर्चा के साथ, किसी और खबर के साथ, किसी और किस्से कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।